शो में काफी ट्विस्ट एंड टर्न शूट हो रहा है, काफी गिफ्ट दिए जा रहे, क्या हो रहा है, बच्चे लोग है, क्या है, क्या हो रहा है, आज बता दे दो। जो सीक्वेंस में भी आपने देखा, वहाँ पर अनाथालय के कुछ बच्चों को बुलाकर, घर पे बच्चियों को बुलाकर बेसिकली एक लक्ष्मी पूजा, जो अष्टमी पूजा होती है, कंचके बिठाई जाती हैं, तो वो बिठाई जा रही है, उनके लिए गिफ्ट भेजे जा रहे हैं। और ट्विस्ट एंड टर्न्स की अगर बात करें तो बहुत कुछ हो रहा है हमारे शो में। इस वक्त कस्तूरी जो मेरा कैरेक्टर है, उसको ये लगता है कि जो खून है उसके बेटे का, वो अंकुश मतलब मानव गोयल जी का जो कैरेक्टर है, उन्होंने किया है। और इसीलिए वो थोड़ा सा यू नो गुस्से में है और उसके बेटे के खून का बदला लेना चाहती है। तो क्या ले पाएगी आप बदला, क्या करने वाले आप, मतलब कितना हंगामा होगा? देखो हंगामा तो फिलहाल बहुत हो रहा है, अगर आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शो में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है और हंगामा बहुत ज़्यादा है। बदला लूँगी कि नहीं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मंडे टू फ्राइडे रोज़ रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट पे दबंगी मुलगी आई रे। ओके, अगर हम बात करें गिफ्ट जो दिए जा रहे हैं, उसमें काफ़ी चेंज कर हो गई है, बदलाव हो जाता है गिफ्ट में, क्या कहना चाहिए उसको लेके? उसमें ऐसा था कि कस्तूरी ने कुछ कपड़े भेजे थे अनाथालय की बच्चियों के लिए, और वो कपड़े आर्या चेंज कर देती है। अब वो क्यों चेंज करती है, उसका रीज़न क्या है, वो आप एपिसोड में देखिएगा। ओके, शो में तो बहुत प्यार आपको मिल रहा है, मतलब क्या कहना चाहिए, जब इतना प्यार मिलता है फैंस के द्वारा, क्या कहना चाहिए उसको लेकर? सबसे मजे की बात है कि मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है, फिर भी लोग मेरे कैरेक्टर को इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा दुआएं मिल रही हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखकर कि एक नेगेटिव कैरेक्टर को भी इतना प्यार दे रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों को अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो हम जेन्युइनली ब्लेस्ड। ओके, कुछ एक ऐसा अगर आप बता सके, आपके फैंस ने जो आपको कमेंट किया हो कि हाँ हाँ इस तरह का कैरेक्टर है क्या? अभी कुछ दिनों पहले एक एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था जहाँ पे तन्मय की डेथ होती है, और उस सीक्वेंस के लिए मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मतलब गुड लक आया, बेस्ट विशेस दिए लोगों ने कि उनको मेरे परफॉर्मेंस देखकर बहुत मज़ा आया। तो मैं जेन्युइनली खुश हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है और जो मैंने परफॉर्म किया वो पसंद आ रहा है। मराठी कैरेक्टर करना कितना मुश्किल होता है, मतलब बीइंग अ पंजाबी गर्ल? डेफिनेटली ये कैरेक्टर मेरे लिए ईजी नहीं था, उसका रीज़न ये है कि एक टोन होता है, एक एक्सेंट होता है मराठी, वो मैं इनिशियली नहीं पकड़ पाई थी, उसके लिए मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, पंजाबी लड़की हूँ, नॉर्थ इंडियन लड़की के लिए महाराष्ट्र कैरेक्टर करना यस डिफिकल्ट था, बट अच्छा लग रहा है कि लोगों को अच्छी लग। कुछ आपने देखा, मतलब कोई शो देखा आपने या कोई कैरेक्टर के लिए, मतलब इसके लिए? ऐसे तो हम एक्टर्स जब भी कोई शो देखते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ पिक कर लेते हैं, कहीं एक्सेंट पिक करते हैं, कहीं से बॉडी लैंग्वेज पिक करते हैं, बिकॉज जो हमें अच्छा लगता है और जो अच्छा नहीं लगता उसको हटा देते हैं। तो यस, बहुत सारे ऐसे मैं शोज देखती रहती हूँ, तो उसमें से कहीं ना कहीं तो आपको रेफरेंस पॉइंट मिल ही जाता है। समर सीजन चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप अपने बॉडी को, मतलब गर्मी से खुद को बचने के लिए? एक्चुअली वो गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले सुबह फ्रूट्स खाती हूँ, सो दैट पूरा दिन मेरी बॉडी यू नो हाइड्रेट रहे। वाटरमेलन बहुत ज़्यादा खाती हूँ, पानी पीती रहती हूँ, हाइड्रेट रखती हूँ अपने आप को, और बस यही चीज़ें हैं जो यू नो घर कर रहे हैं कि बहुत सारा पानी पी रही हूँ, बॉडी को हाइड्रेट रखती हूँ। ओके, जैसे कि शो में मतलब इतना आप ट्रैवल भी करते होगे, इतना कितनी परेशानी होती है ट्रैफिक में इस तरफ आने के लिए, आपके सेट तक आने के लिए? इस वक्त तो हम जहाँ शूट करें हमारा सेट है भांडुप में, और अंधेरी से मुझे भांडुप आने के लिए आई स्वेयर दुनिया भर का ट्रैफिक मिलता है और मुझे जन्म लग जाते हैं रोज़ आने में। तो सुबह मैं बहुत जल्दी निकल रही हूँ, जो सेट पर मुझे लेट पहुँचना पसंद नहीं है, मैं बहुत पंचुअल हूँ अपने काम को लेकर, तो मैं जल्दी सेट पे पहुंचने के लिए यही करती हूँ कि जल्दी घर से निकल रही हूँ, और ट्रैफिक अभी भी मेरा पैकअप हो गया है और अभी मुझे घर जाना है, और शाम का टाइम है, बहुत 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 ट्रैफिक मिलने वाला है। ओके, कभी ऐसा नहीं हो कि आप लोकल ट्रेन में सफ़र किया हो, मतलब ये ट्रैफिक बचने के लिए कभी किया आपने? लोकल ट्रेन में यस, मैंने बहुत बार सफ़र किया, अभी कुछ सालों से नहीं किया, लेकिन पहले जब फर्स्ट ऑडिशन दिया, फर्स्ट ऑडिशन हाँ, मतलब जब महालक्ष्मी साइड पे बहुत सारे ऑडिशन होते थे या फिर
आज के ऑडिशन के लिए या फिर अपने यू नो और भी ऑडिशंस के लिए मैं इधर उधर जाती थी, तो लोकल से बहुत ट्रैवल किया है, बस से ट्रैवल किया है, ऑटो से ट्रैवल किया है, तो यस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो बहुत ट्रैवल किया. अभी लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया है क्योंकि मेट्रो आ गई है, तो इट्स वेरी इनकन्वीनियंट. ओके, आखिर सवाल है आपसे, जैसे कि आपका जो शो है टी आर